दिवाली के इस अवसर पे मैंने जो कविता लिखी थी हमारे मुझे लगा कि उस कविता को सेपरेटली देखे जाऊं ताकि स्टूडेंट्स को अगर हो तो उसे बेनिफिट जो मिल सकता है वो उसका प्रॉपर बेनिफिट लें। तो ये कविता उन सब छात्रों के लिए जिनके दिलों में जिनके अंदर में एक आत्मा चल रही है, एक सपना है कुछ कर दिखाने का। दिवाली के इस दीप की तरह जगमगाना है तुम्हें, दिवाली के इस दीप की तरह जगमगाना है तुम्हें, इस अग्नि की तरह तपना है तुम्हें, इस तेल की तरह हर वक्त उत्साह से भरे रहना तुम, क्योंकि वो सपना ही हकीकत है कर दिखाना है तुम्हें। यूं तो हवाएं बहकर रास्ता रोकेंगी तुम्हारा, यूं तो हवाएं बहकर रास्ता रोकेंगी तुम्हारा, अपने अंदर के दीप को जलाए रखना क्योंकि बढ़ना है तुम्हें। दिवाली हर रोज मनाओगे जब सपने को पाओगे तुम, दिवाली हर रोज मनाओगे जब सपने को पाओगे तुम, अपनी हर श्वास में उस हकीकत को पूरा करना है तुम्हें। कोई तुम्हें समझे ना समझे इसकी जरूरत नहीं, कोई तुम्हें समझे ना समझे इसकी जरूरत नहीं, कायनात एक होगी जब तुम्हारे सपनों की हकीकत हुई। यूं ही तो जन्म नहीं लिया तुमने मरने के लिए, दिवाली का दीपक बन इस जन्म चमकना है तुम्हें, चमकना है तुम्हें। सो आप लोग जो भी सपना लेकर के अपना जो समय देते हैं, कीमती वक्त लेते हैं, उसको साकार करने की जिद रखिए। बहुत सारी मुसीबतें आएंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसे अपने फैमिली क्लोज मेंबर से सपोर्ट लें और फिजिकली मेंटली हर तरीके से आपको फिट रहना है, तभी आप एग्ज़ाम में एक अच्छा और एक दृढ़, ठीक है, जब भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ ना कोई होली, ना कोई दिवाली, ना कोई त्यौहार, आप कहेंगे तो, बिकॉज़ एक बार पालो तो हर रोज़ दिवाली है, ठीक है। तो आपको कभी भी किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी स्टूडेंट को, आई एम ट्राइंग टू हेल्प ईच एंड एवरी सिस्टम, क्योंकि जो गुरुकुल का सिस्टम हमारा लुप्त हो चुका है, जहाँ पे एक एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को ना ओवरऑल डेवलप किया जाता है, वो मेंटली भी रेडी हो, वो जो है नॉलेज वाइज भी रेडी हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो स्टूडेंट का। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं पूरा पूरा स्टूडेंट्स को सपोर्ट करूँ, बट ये अकेला मेरा काम नहीं है। आप भी जिस भी आप गुरु से कनेक्टेड हैं, आपके जो भी मेंटर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, उनको भी आप समझा करें, उनको समझने की कोशिश किया करें, बिकॉज़ उनकी भी कुछ पर्सनल लाइफ है और वो आपके बारे में भी केयर करते हैं। थोड़ा सा आप भी उन्हें लव एंड रिस्पेक्ट दें, एंड डेफिनेटली दे विल गिव यू, बिकॉज वो गुरु हैं एंड दे विल डेफिनेटली ओपन देयर वाइड लव फॉर यू। और आज के स्टूडेंट्स कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उनका मजाक बनाना, उनसे रॉन्ग तरीके से बात करना, स्टॉप डूइंग दैट, यू स्टार्ट ओपनिंग योर लव एंड गिव देम अ प्रॉपर रिस्पेक्ट, ठीक है। तो आपके गुरु के पास तो बहुत ज़्यादा प्यार है, विल डेफिनेटली रीच टू यू, ठीक है। सो ऐसे ही अपने सपने के दीपक को जलाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है, और बिल्कुल भी थमना नहीं है जब तक वो मुकाम ना पा लो, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितना लंबा आपका कोर्स है, जो भी कोर्स आप परस्यू करो, जिद रखो और जिद रखो और केवल जिद रखो। जिद इसलिए नहीं रखो कि ये चाहिए सामानों की, उस सपने की जिद रखो और उसको साकार करने के लिए सबसे ज़्यादा रोल और सबसे इम्पोर्टेंट रोल आप ही का है। सो किसी के ऊपर डालना नहीं कि उसने ऐसे नहीं किया, इसने ऐसे सपोर्ट नहीं, आप क्या कर रहे हो अपने सपने के लिए वो देखो, जब आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो दूसरा क्या सपोर्ट करेगा। तो अपने सपनों को प्रायोरिटी दें और उसे हकीकत में आपको करना है, ठीक है। सो इस कविता को सुने और आई होप आपको अगर मदद मिली हो तो ऐसे ही मज़े लेते रहें, खिलखिलाते रहें, अपना पूरा ख्याल रखें, फिजिकली मेंटली खुद को फिट रखें और सपनों को साकार करें, नॉलेज लें, क्वालिटी नॉलेज लें, रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे वो, ठीक है। सो कीप वर्किंग हार्ड, आप जो भी कोर्स करें, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड कीप शाइनिंग।